वालेकुम अस्सलाम। ओ मेरा बेटा मेरा पुत्र अख्तर। पुत्र कैसा लगा तुझे कोड़ा गली का कॉलेज? उई बेटे वहाँ तो सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते होंगे। चाचा उई बल्ला मेरा बेटा बल्ला लेके आया। अभी खरीद के दिया है पाजी ने। तो गांव में टीम बनाएंगे, टीम बनाएंगे और अब्बू जी को हराएंगे। जी बम बम बम। ओ यार खुर्शीद और तेरा क्या हाल है? बस पाजी सब ठीक है, आप सुनाओ। अम्मी जी का क्या हाल? वो भी ठीक है, आप सुनाए आप कैसे? बस मैं तो ठीक हूँ यार। ये टोपी तुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा ख्याल है कि तू दाढ़ी रख ले। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। भाईजन रखूंगा लेकिन जरा बाद में। अच्छा हाँ चलो चले फिर। चले चलो माँ जी खुशबू बड़ी है। खुर्शीद भाई हाँ जी, मेरी जगह आप ही खा लें, मैं और पाजी जमीला बाद में खा लेंगे। ओ पाजी आप कोई सिफारिश करें। ओ यार अब मैं बताओ क्या करूं, तुम्हारी भरजाई ने खाने का ये चांस भी मेरे साथ मिस कर दिया। चलें बस करें, अब बात ना शुरू हो जाए। अच्छा जिराफ बस करे, ठीक है जी। लो इनको क्या हो गया? क्या हुआ? माँ जी साहब को जरा कुर्सी पे बैठा के खाना खिलाएं।
कोई बात नहीं पुत्र, तेरा भाई पीढ़ी पे बैठा हुआ भी अफसर ही लगता है। यस माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो जनाब मेरी बेटी, वो जो था ना इनाम, वो मैं अब आपको दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि इसको खाना खाने से पहले नहीं हाथ लगाना, वादा। वेरी गुड पाजी। यहाँ भी इकबाल, ये अख्तर भी आप ही का बेटा है। ओ यार इकबाल, तुम हर वक्त क्यों मुझे मेरे बेटे का हक याद दिलाते रहते हो? हुजूर ये 100% मेरा बेटा है। वो एक बात तो बताओ, कहीं तुम ये मुझे देख के पछता तो नहीं रहे? कैसी बात करते हैं पाजी, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ ए, तुझे तो खोटा आना देना चाहिए जिसे तुम फौरन खड़ा कर लेते हो। ताया जी। हाँ? खोटे को कैसे खड़ा कर लेते हो खुशी चाचा? हाँ मुझे बताएं। बताओ खुशी चाचा। जनाब इसने वो आना लिया और बजाय इसके कि वो मास्टर साहब को स्कूल में फीस दे, उसके इसने सारे ढेर सारे अमरूद खा लिए। अरे नहीं बेटे, मैं पूरी बात बताता हूँ। आपके अबू ने थोड़ी सी गलत बात बताई है, मैं सही बताऊंगा, पक्की पक्की बताऊंगा। सुनो बताओ। मुझे दिया अम्मी ने एक आना के मास्टर साहब को 2 स्कूल की फीस। मैं जब मास्टर साहब के पास गया, उन्होंने आना देखा, वो था थोड़ा सा काला है। बहू अख्तर सीमा बेटे, वो जब देखा आना है काला, तो मास्टर साहब मुझे कहने लगे, बेटा ए ता खोटा है। वो आना उन्होंने मुझे वापस कर दिया। मैं जब घर आ रहा था तो मेरे जेन में आई एक स्कीम। मैंने आने को रखा जमीन पे, ऊपर रखी अड्डी, उसका यूं करके जोर जोर से कसाया ना, तो वो हो गया थोड़ा सा सफेद। वो आना दिया मैंने अमरूद वाले को, उसने चट ढेर सारे अमरूद मुझे दे दिए। आपसे नहीं आउट होना, आप बंद कर दे खेलना, फजल को दे बॉल कराए। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मेरे को टुटे कोई नहीं है साहब जी। कोई गल नहीं, सारे रख लो, जो बच्चे ने लीड़े वगैरह खरीदने होना ना तो ले जाना है। अल्लाह जनाब ढेर आ द्वार।
میرا پتر مجھے طفیل محمد عید مبارک بچا شکر ہے خود مل گیا عید کا چاند ہی ہو گیا مولوی صاحب ملازمت سے جب کبھی فرصت ہوتی ہے تو میں آپ کی نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا جیتے رہو مجھے خوشی ہے کہ تمہیں پڑھایا ہوا کام آ گیا اللہ کرے تم اور ترقی کرو مولوی صاحب بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اللہ کرم کرے اور وعلیکم السلام کیسے ہو رہے عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک اور بچے بچے سب راضی ٹھیک ٹھاک جناب چکر بڑی رونق ہو گئی رونق تو آپ جیسے محنتی کسانوں کی وجہ سے اس گاؤں میں رہتے ہیں پسینہ اپنا مٹی میں ملاتے ہیں اور قوم کا پیٹ پالتے ہیں یہ تو سب کچھ اللہ کی ذات کا کرم ہے آپ کی دعائیں اور سب خیریت رہتے اللہ ٹھیک اچھا یار اچھا اچھا مولوی صاحب اچھا ماجی دعا کریں ہمیشہ ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں رہو بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے جیتے رہو اچھا بھائی اقبال باجی میرا بیٹا ٹھیک ہے فرسٹ کلاس گڈ آؤ بیٹی او میرا بیٹا شاباش بھائی دیر ہو رہی ہے اب چلیں ہاں چلو امی جی چھتی کرو بھائی دیر ہو رہی ہے چلے بھائی بڑی دیر ہو رہی ہے اچھا یار اچھا جی مامی جی خدا حافظ از اکھوڑا تفیل محمد محترم مامو جان السلام علیکم مامو جان میری نئی تقرری ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی ہے اور میں کمیلا سے کچھ دور اکھوڑا میں تعینات ہوں ایسٹ پاکستان رائفلز کا کام سرحدوں کی دیکھ بھال اور سمگلنگ کی روک تھام کرنا ہے دراصل ہمارے نئے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر صاحب داد آ گئے ہیں اسی وجہ سے مجھے چھٹی مختصر کر کے فوراً واپس آنا پڑا میں نے آنے سے پہلے آپ کا بہت انتظار کیا لیکن آپ پاک پتن سے واپس ہی نہیں لوٹے اور ملاقات نہ ہو سکی میرے لیے دعا کیجئے گا اور سب کو درجہ بدرجہ میری جانب سے دعا سلام کہہ دیں والسلام آپ کا تابے دار طفیل محمد پتر جیتے رہو Thank you.
वो देखो वो हाँ पेड़ के पास। अच्छा पेड़ के पास यहाँ पहले कभी चौकी नहीं थी, लेकिन जिस दिन से बनी है हमारे दो आदमी पकड़े जा चुके हैं। सारा माल जो इतना भरा पड़ा है ये कैसे जाएगा? अबे वो पांडे के बच्चे जी सरकार, ये सामने क्यों इकट्ठा कर रखा है? अबे इसको हटाओ, अंदर कोठरी में लेके जाओ। बहुत अच्छा सरकार, अभी लो, दो मिनट। अबे तुम सब क्या चाहते हो, पकड़वाओगे मुझे क्या? सरकार ये धान की फसल जो खड़ी है, क्या ख्याल है इस पे झगड़ा ना खड़ा करवा दे कि पाकिस्तानियों ने हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया? अबे मैं तो कहता हूं परंतु कुछ ऐसा बंदोबस्त करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। घरानी जी, हम तरकीब ही सोचते रहेंगे और ये हमारा धंधा चौपट करवा देंगे मुखबरी करके। भगवान के लिए कुछ विचार करो, कुछ इंतजाम करो। अबे मुझे कम ख्याल है क्या? मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है, कोई माल पानी हाथ नहीं लग रहा और इस चौकी पर से तो माल पार करने में इतनी तंगी है कि पूरा महीना जा रहा है और एक खेप खड़ी नहीं हुई। ये मेजर क्या आया है, मुसीबत आ गई हम पर तो, और ये पता ही नहीं है कि है कौन, दिखाई भी नहीं पड़ा अब तक। आप बेशक तरकीबें सोचो, लेकिन मेरी मानो तो आज रात उधर की घाटी से ये सारा माल पार कर दूं। चपे माल पार कर दूं, चले दे सारे माल को। सरकार प्यारे लाल बात सुनी इधर, पांडे तू भी सुन। जी सरकार हुकुम। मैं जाता हूं अगरतला, महारानी जयपुर के हुजूर हाजिरी दूंगा। बड़ा असर है महारानी जी का भारत सरकार में। सरकार। मैं कुछ करता हूं। अब कौन है लक्ष्मण? महारानी सरकार, धरानी नाम का एक व्यापारी है, कहता है सरहद पार पाकिस्तान से आया हूं। क्या कहता है? आपसे कोई जरूरी काम है। कह दो कि अब हम आराम करेंगे, कल सुबह बुला लेना। महारानी सरकार किछ बोले छे की? ना, उन्हीं किछियो बोले नहीं। हम बहुत पूछा पर वो बोला आपसे ही कहेगा। बुला लो। नमस्ते महारानी जी, आपने अंदर बुलाकर बड़ी कृपा की है। पधारिए। धन्यवाद। क्या नाम बताया? हाँ धरानी, कहाँ से आए हैं आप? लक्ष्मीपुर से महारानी जी। लक्ष्मण, कविता। हाँ अब कहिए। सरकार आपने हमें पहचाना नहीं, हम तो आपके पुराने सेवक हैं। लक्ष्मीपुर तो आप ही की राजधानी में था और मैं मुंशी था आपका। 6 महीने पहले तो ये गांव
भारत माता ही का एक अंग था, लेकिन जाने बाउंड्री सर्वे वालों ने रिश्वत लेकर पाकिस्तान में शामिल कर दिया। महारानी जी, जब से आप जैसी लक्ष्मी ने हमारे सर से हाथ उठाया है, हमारे तो भाग फूट गए महारानी जी। हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हौसले से पूरी बात कीजिए। महारानी जी, हम भारतीय ठहरे, नई नई फालतू जमीन क्या मिल गई है। पाकिस्तानी सरकार का जो अफसर भी आता है, हमारा काम धंधा हुक्का पानी समझ लो के बंद कर डाल रहा है। खुला चल फिर हम नहीं सकते, कारोबार हमारे मुश्किल, और फिर बात बात पर ताने के भारत के ख्वाब भूल जाओ। हमारी बात होती तो हम अपनी जात पर सह लेते महारानी जी, लेकिन ये लोग जब आप जैसे नेताओं की भारत माता की बेइज्जती करते हैं तो कलेजा बढ़ जाता है, फिर बर्दाश्त नहीं होती महारानी जी, फिर बर्दाश्त नहीं होती। हेलो आंटी। ओ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते महाराज। ये भगवान कौन है? देव, ये धरानी है, लक्ष्मीपुर पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से? कहिए लाला जी, क्या संदेशा लाए हैं आप हमारे लिए अपने पाकिस्तान से? सरकार, हम काहे के पाकिस्तानी, हमारा नाता तो भारत सरकार से जबरदस्ती खत्म किया जा रहा है। कौन कलमुह पाकिस्तानी कहलाना चाहता है? सोते में सपना सेना भारत का देखते हैं, पर नींद खुलने पर फिर वही पाकिस्तान में। सरकार हमारी रक्षा करे, हम पर कृपा करे सरकार, हमको इन जालिमों से बचा ले सरकार। हम महान नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते सरकार, सरकार हम महान नहीं रह सकते। सुना दे, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार का एक तुम माथा खराब हो गई छे, और इस भगवान की सहायता के लिए आपका मन फौरन डोल गया होगा। कविता जी। महारानी जी, फोने खेने नहीं आशो जी। सरकार, महारानी जॉयपुर बोल रही हूँ जी। प्रधानमंत्री से बात हम खुद करेंगे। क्यों देव, तुम आसाम राइफल्स के उसी इलाके में पोस्टेड हो ना, तो फिर लक्ष्मीपुर का सहरा तुम्हारे सर क्यों ना बने। धरानी जी, ये हमारे भांजे भारतीय सेना के बहुत बहादुर सपूत हैं। लक्ष्मण जी। महारानी, धरानी जी को मेहमान खाने में ले जाओ। बेहतर, तशरीफ लाइए। नमस्ते महारानी। मेजर देव वर्मन साहब, उधर की निस्बत आपकी तवज्जो इधर दरकार है। हाँ महारानी जी,
आपको हमारा कविताओं को सुनते और उनके दर्शन करते रहना अच्छा नहीं लगता? हेलो, प्रणाम प्रधानमंत्री जी। जी जी, मैं आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपको तकलीफ यूं दी प्रधानमंत्री जी कि लक्ष्मीपुर जो कुछ अर्सा पहले तक भारत प्रजा की धरती थी वो अब पाकिस्तान में। जी जी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं भी कहीं जाने वाला था। मालूम हुआ आपको लक्ष्मीपुर का किस्सा? सर फार्म खा का झगड़ा है, अभी 6 महीने हुए सेटल हुआ था सर। असम राइफल्स की पूरी प्लेटून स्ट्रेंथ ने कब्जा किया सर। इसी का तो इलाज सोचना है हमें। एक तरफ तो एसडीएम्स के लेवल पर तस्वीर की कोशिश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, और दूसरी तरफ हमें दुश्मन का कब्जा हटाने के लिए प्लान करना है, वो ऐसे कि कोई लंबा चौड़ा झगड़ा खड़ा ना हो और वो इलाका वापस अपने कंट्रोल में आ जाए। ऐसा करेंगे सर तो झगड़ा तो होगा जो एस्केलेट भी हो सकता है सर। इसीलिए तो रेगुलर एक्शन नहीं कर रहे हैं हम। बहरहाल आप अपनी तैयारी करें, मैं जीएचक्यू से रब्ता कायम कर रहा हूं, एंड कीप इन टच। यस सर। कहो कहो डाके परन के मुनकारी कोकिला रे, कहो कहो कोइरा रे तुई आर डपेश ना। पता नहीं किधर से आ गया, अम्मी भैया के डाकते छे। क्यों से क्या हुआ? हाँ उधर तालाब एक आदमी हमको बोला तुम इधर से पानी भी नहीं भर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अशोक समझे कौन बोला ये? इसका बाप का तालाब है? आओ, कौन तुमको कपड़ा धोने नहीं देता? आओ मेरे साथ। क्या समझता है अपने आप को और बाबा तालाब से ना की जाने ना से वो क्यों मनुष्य गोल गोल करता था पोखरे रूपे आशीन देखे क्या से। अरे अरे मेरी शकल क्या देख रहे हो? मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैंने कोई पाप किया। क्यों मना किया? क्यों मना कर सकते हमारा गुस्सा? अरे मैंने इस बच्ची के भले की बात कही और ये रोकर चल पड़ी है मेरी बला से। बेशक धो कपड़े भरो पानी, मगर जरा वो उधर भी देख लो। उधर देखो वो भारतीय सेना है। भारतीय सेना से हमारा क्या ताल्लुक? अरे नहीं मानूं। अरे तुम लोगों का माथा खराब हो गया है क्या? जानते नहीं हो भारत सरकार का कब्जा हो गया है यहाँ। भारतीय सेना से अपनी जगह बाहर में खड़े हो, उससे निपटने दो, छोड़ दो। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, तेरी बंदा परवरी से। हेलो, तुफैल स्पीकिंग। सर। जी सर। कहाँ सर?
ढाका से पील खाना में। बहुत बेहतर जी, जी बहुत अच्छा। खुदा हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। खालिक साहब। यस सर। सूबेदार मेजर साहब से सलाम कहो। राइट सर। सर मैं एक जरूरी काम से ढाका जा रहा हूं, हेडक्वार्टर्स में। अगर आपने मुझसे कोई खास बात करना हो तो आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। राइट सर। क्या तमाशा है भाई, यानी 150-200 गज अंदर आके खैमा लगा लिया असम राइफल्स ने। ये जो लक्ष्मीपुर वाला इलाका है ना सर, हर्ट्स वाला, यहां पर पहले स्मगलरों का एक गढ़ था। हमने थोड़ा सा इन्हें कसा है तो ये कार्रवाई हो गई। मैं समझता हूं सर ये कोई शरारत है। लेकिन जीओसी का इसरार है कि उन्हें हर कीमत पर डिसलॉज करना है। इस सिलसिले में जीएचक्यू से बात भी कर रहे हैं। ये सिविल साइट पे कोई तस्वीर की बातचीत हो रही है सर? हाँ, इट्स बीइंग डन। एसटीएम लेवल पे चीफ सेक्रेटरी मुजाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना प्लान तैयार रखना है ताकि जैसे ही जरूरत पड़े वी कुड गो इनटू एक्शन। You'll get orders from me. Very well, sir. ये SDM कब मिल रहे हैं सर? कल शाम लक्ष्मीपुर के करीब एक रख में, नो मैन्स लैंड में। मैंने सोचा सर, इफ यू अलाउ मी सर, कि ये जो हमारी टीम मजाकरात करने के लिए जा रही है, सीवीज में मैं इनके साथ जाता हूँ। वहां का कोई आदमी भला मुझे क्या पहचानेगा? इस तरह सर कम से कम कुछ रेकी हो जाएगी। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू वेरी मच सर। अरे साहब, अब तो हम लोग इस तालाब से पानी भरने नहीं दिया जाता साहब। शाह भारत का फौज दे दिए सब बड़ा से। आपकी चिंता करो, सब ठीक हो जाए। ये जो चश्मे वाला लाला है, ये दराने सरकार गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। ये सब बहुत मक्कार है, लोग कहते हैं सब इसी की शरारत, लेकिन मुंह पे कहते हुए डरते हैं, बड़ा असर वाला है। अब्दुल मनान एसडीएम। माय नेम इज खन्ना, ग्लैड टू सी। वेलकम टू इंडिया विदाउट वीजा फॉर्मेलिटीज। धन्यवाद। आप खन्ना साहब खूब अच्छी तरह से जानता है कि आज हम किस वास्ते इधर और क्या बात करने के वास्ते जमा हुआ है। हम ये चाहता है कि एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर, एक साजगार माहौल के अंदर हम लोग अपना बात खत्म करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। आप शायद कुछ तंज कर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इस वक्त जिस इलाके में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो भारत, मेरा मतलब लक्ष्मीपुर से। यह खन्ना साहब बहुत बड़ा मुगलता है, हम चाहते हैं इस मुगलते को दूर कर दें। अभी आप ये सर्वे अवार्ड जो है उसको देखिए, अभी इससे आपको इस बात का पता चल जाएगा
जो आपके दिल में सुकून है। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान और भारत का ज्वाइंट कमीशन ने जो म्यूचुअली डिसाइड किया था और सबका डिटेल इसके अंदर और इससे सब जाहिर हो जाता है। How to do and what to do? Do you follow my point? जैसा वो अवार्ड एक फ्रॉड था वैसे ये नक्शा होगा। Anything else? Mr. Khanna, मेरा ख्याल है कि आप जरा तहमुल से बात करें। खन्ना साहब, you are not being helpful. I tell you. Who are you? मैं इनका असिस्टेंट हूँ। अभी सोचें आप कि इसकी वजह से इतना बड़े इलाके की आबादी हरास है। मेरा ख्याल है मजीद बातचीत की गुंजाइश नहीं। गुड बाय। मैं एक मरतबा फिर आपसे इस बात को कहूंगा कि दोनों फरीकों के इंटरेस्ट के बारे में कि आप जरा सोचें, गौर करें और बेहतर यही है कि आप इस इलाके को खाली करा दें। एक सजेशन, हम्बल सजेशन, एक वेल मीनिंग पड़ोसी का मशवरा, आप सोचें। रानी सरकार, अभी देखा मैडम साहब, हम लोग से किस तरह बात किया। हम भी उसको जवाब दे सकता था और हम कितना शरफत के साथ इस बात का खत्म किया। हाँ, सही है। हमने इसको मसले से जाना, बिल्कुल सही है, वरना हम उसको बता देता क्या ये सब बात किस तरह से होता। अरे मनान साहब, आपने तो बड़े तहम्मुल से बात की है। वो तो मिस्टर खन्ना ही को कुछ काट गया था, यानी हर बात उलट। अरे अपना मिस्टर साहब जी, अभी वो हमको जानता नहीं। जब हमको वो जान जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि हम क्या चीज है। सही है, सही बात। अगर उसको खोपड़ी खराब हो सकता है तो फिर हमारा भी मत खराब हो सकता है। पता नहीं आपने आपको क्या समझता है। हमारी खोड़ा बैंक की कंपनी नंबर वन की नफरी पूरी है साहब। कुछ नफरी थोड़ी लंबी छुट्टी पर है सर। एक जवान लांस नायक आलमगीर का ला रहा है सर। आप ऐसा करें कि दूसरी कंपनी से नफरी को पूरा करें। कंपनी नंबर वन 6 अगस्त को सुबह 9 बजे मुझे रिपोर्ट करेगी साहब। बेहतर सर, परसों 6 अगस्त को सुबह 9 बजे सर। यस, बेहतर सर। तो फैल सर, ये कमांडो लिटरेचर पढ़ना अच्छी बात है भाई, लेकिन इसका टाइटल वी डाई अलोन कुछ मार्टर्डम और सेल्फ पिटी जाहिर नहीं करता। सर, टू मी दिस अपीयर्स टू बी अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सर,
Well, that's what it is. Thank you, sir. Several koshish to nakam ho gayi. GOC ne go ahead de diya hai. Sir. Lekin is silsile mein teen baaton ka zehn nashin karna bada lazim hai. Sir. One. Goli us waqt tak nahi chalegi jab tak hum par fire na ho. Theek hai, sir. Two. Jhagda zyada badhne na paaye. Khoon kharabi ki naubat kam se kam ho aur agar ho sake to kuch giraftariyan le li jaye. Three. Hame border kisi qeemat par cross nahi karna. Theek hai, sir. Opposing forces ka commander Major Dev Barman hai jo Maharani Joypur ka bhanja hai. Maza to jab aaye ki us Maharaja ko pakadna. Very well, sir. Why? Sir, maine jo plan kiya hai uske do key factors hain. Number ek, sir, silent attack. Number two, shab khoon ki tarz par dushman par achanak hamla. ताकि उन्हें घेरे में ले लिया जाए। By the way, I'm staying on for the night. My pleasure, sir. अच्छा वो occupying troops की strength क्या है? पता है कुछ? मज़ाकरात तो नाकाम हो गए थे सर, लेकिन रैकी करने का अच्छा खासा मौका मिल गया था सर। खालिक। Yes, sir. ब्रिगेडियर साहब रात यहीं काम करेंगे। खाने में क्या क्या पसंद फरमाएंगे जी? भाई खालिक, हम तुम्हारे साहब की तरह खाने में नखरे वखरे तो नहीं करते ना, तो जो है बिस्मिल्लाह वही ठीक चलेगा। यस सर। थैंक यू। हाँ, वेयर वर वी? ओह, योर रेकी। जी सर। टीकरी के नीचे सर, कम से कम उनकी एक प्लाटून की नफरी तो होगी सर। नहीं, लेकिन आज दोपहर की इतला है कि भतारिया के जंगल से उन सुरमाओं के लिए री इन्फोर्समेंट आ रही है। Now what are you going to do about that? Allah Malik, sir. नहीं, ये जरा let's study it again. सर, ये मेरा जो plan है, इसको आप देखें सर. हाँ. ये है उसका खेमा जहाँ उन लोगों ने गाड़ा हुआ है सर. और ये 250 के पीछे जो उनकी नफरी आपको नजर आ रही है, ये है. हाँ जी, ये west पर उसका एक LMG post है जी, west side पर उसकी. और ये है उसकी sniper post है. इधर हैं कुछ. तो यहाँ पर ये जो टिकरी के दरमियानी इलाका है सर, टिकरी का, ये समझते क्या है अपने आप को? और ताकतवर? I'm not going to spare them. No, not at all. बिल्कुल नहीं. No. क्या बात है तुफैल? सर, सोए नहीं, टेंस हो, नर्वस हो? You must be joking, sir. सर, मुझे वो मिस्टर खन्ना खड़खन्ना पर बहुत गुस्सा आ रहा था. ना बात करने का ढंग, ना कोई कर्टसी सर, और लहजा उसका इतना ऑफेंसिव था सर. जी चाह रहा था कि यहां से पकड़ के मैं दबोच लूं उसको बस. आई डोंट नो व्हाई सर, पर अच्छा अच्छा. बाय द वे, एक बात बताओ तो फिर सर, कि तुम जो इतनी देर सजदे में रहते हो तो क्या दुआ मांगते हो? मैं सर, सर के तेरी बंदा परवरी में मेरे दिन गुजर रहे हैं, जितने हैं जैसे हैं,
जब तक हैं सर बस यूं ही गुजर जाएं, और जब पूरे हो जाएं तो यूं ले जाना लम्हा भर के लिए भी, किसी का मोहताज ना करना। सॉरी सर। हेलो तुफैल है? अच्छी बात सर, आपका टेलीफोन। थैंक यू सर। यस साहेबदाद। अच्छा ठीक है, आप लोग इंतजार करें, मैं आता हूं। ऑलराइट। तो भी तुफैल जी, तुम्हारे एक्शन को तो जरा देर थी, यहां सिलट में गड़बड़ हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। सर बाय द वे, आपके अटैक को लीड कौन कर रहा है? मी सर, मी। व्हाट यू मीन यू, यू आर द विंग कमांडर। तो ये मेरे विंग का काम है ना सर? वेल इफ यू फील लाइक दैट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। लेकिन तो फैल जी, एक बात का ख्याल रखें कि आप जैसे ऑफिसर से ना तो नाकामी की तवक्को की जा सकती है, ना उसे कबूल किया जा सकता है। सर सर आप तैयारी करें, मैं कश्ती का बंदोबस्त करता हूं। खालिद साहब, मेरे क़िबला व काबा जनाब वालदा साहिबा दामज़िल्लेकुम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुझे बहुत ज़रूरी काम पर जाना है, सख्त जल्दी है। मोहम्मद अख्तर को कुछ कहना था सो अलहदा से लिख दिया है, अपनी खैरियत से मुतला करें, अजीज़ों के नतीजे से मुतला करें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला दो तीन रोज में खत लिखूंगा। मेरे लिए दुआ करें, आपका फर्मा बरदार बेटा तुफैल मोहम्मद। कप्तान साहब जरा कमाल कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करना है। ओके सर, ओके। शाबाश। ये इतना कसूर, थोड़ा रिदम बनाओ यार इसका। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछे। सर सुना है कि ब्रिगेडियर सारा सिंह की गन जो आपने गालबन नेजी साहब को तोहफा दन दी थी, उसके तो बट को दीमक आ गई। अच्छा। और सर उसके बैरल को भी जंग लग गए। तो ऐसा है कि नियाजी उसके बट को बदल लेगा। नवाब
बेटी, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ, हर वक्त लड़ती रहती हो। लड़ती रहती हो? अपनी नाव कैसी अच्छी बनाते हो और मेरी कैसी फोस। पानी में डालो तो टेढ़ी होके डूबने लगती है। अरे तो खुद बना लिया करना, एक तो बना के दो नाव और दूसरी बातें सुनो। बना लूंगी। अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? एंजी, ये हमको ठीक नाव नहीं बना के देता, शमसू का बच्चा। अरे मैं अपनी बेटी को नाव बना के दूंगा, बहुत अच्छी नाव बना के दूंगा। आइए मेरा बेटा, मैं देखता हूँ अभी। शमसू बैठे आप। अरे शाबाश है मेरी बेटी, अरे शाबाश है। ये कागज को पकड़ के ना इसको यूं मोड़ है। तायरा की नाव आगे निकलेगी, मेरी नाव आगे, तायरा की नाव आगे निकलेगी, वो निकल गई, वो निकल गई। शमसू की नाव फोस, अरे नहीं यार, नहीं बेटा, अब दोनों मिलकर खेलेंगे हैं, आपस में सुला करके। हाथ में लाओ, शाबाश। जवानों, दुश्मन ने हमारे इलाके पर कब्जा करके हमारे वकार पर जर्ब लगाने की कोशिश की है। मैं इस वक्त आपसे खुली खुली बात करने के लिए आया हूं। आप मुझे अपना साथी समझें, सिर्फ अफसर या कमांडर नहीं। इस नाजुक मौके पर मैंने आपकी कंपनी का चुनाव किया है। मैं जानता हूं ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का काम दरअसल में बॉर्डर्स पर स्मगलिंग की रोकथाम करना है, इसलिए हो सकता है हमारे जवान ज़हनी तौर पर लड़ाई के लिए तैयार ना हो। मैं किसी को उसकी मजबूरी या जबरदस्ती के साथ लेकर जाना नहीं चाहता। जवानों, मुझे रजाकार चाहिए। अगर किसी जवान के दिल में जरा सी भी हिचकिचाहट हो या वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर अपने आप को इस मुहिम के लिए पक्का फिट ना समझता हो तो वो पीछे रह सकता है। खुदा की कसम, मुझे जरा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। जवानों, हमारी कामयाबी दरअसल वतन अजीज की कामयाबी है और मेरे नजदीक किसी का जाना ना जाना बिल्कुल उसकी मर्जी का सौदा है। जो जवान मेरे साथ इस मार्के में शरीक होना चाहते हैं वो एक कदम आगे। आफरीन है जवानों। यारो, तुम लोगों को कौन जीत सकता है? सर, मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने मेरा चुनाव नहीं किया। सर, मुझ पर नजरसान नहीं करें सर। सर, मैंने दूसरी जंग अजीम लड़ी है, मेरा हक बनता है। सर सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप तैयारी करो।
साहब आप पीछे रहेंगे, पीछे भी तो किसी को देखभाल करना है ना, आप मेरे सेकंड इन कमांड हैं। राइट सर। आराम से बैठ। सब हाजिर हैं? सुबेदार अबुल फजल साहब, कंपनी सेकंड इन कमांड, कंपनी की कमांड मैं खुद करूंगा। जमादार मोहम्मद आजम साहब, हमारे तीनों सेक्शन कमांडर्स, प्लाटून नंबर वन। जमादार मोहम्मद अनवर साहब, बमाए तीनों सेक्शन कमांडर्स, प्लाटून नंबर टू। सूबेदार गुलाम हुसैन साहब, बमाए तीनों सेक्शन कमांडर्स, प्लाटून नंबर थ्री। नरसिंह हवलदार, टू इंच मोटर कमांडर, हवलदार मेजर वलायत अली। सॉरी सर, जरा मैं मूछों को ताव दे रहा था। बहुत अच्छा, मगर जरा ध्यान इधर भी। नॉर्थ तीर के निशान की तरफ है, मॉडल बगैर स्केल के है। अब आप अपने आप को यहां समझें। चूंकि कुछ बातें ऑपरेशन में खास नोयत की हैं, लिहाजा सारे सेक्शन कमांडर्स भी बुला लिए गए हैं। कुछ बातें प्लान के मुताबिक नहीं होंगी, यानी अनकन्वेंशनल। यहां अखोड़ा से कोई 12-15 मील दूर लक्ष्मीपुर गांव के पास आसाम राइफल्स ने हमारी एक टेकरी पर कब्जा कर लिया है। हमारी बातचीत नाकाम हो गई है, हमने ये टेकरी दुश्मन से वापस लेनी है। रेकी सिविल कपड़ों में मेरे साथ प्लाटून कमांडर्स कर चुके हैं। ऑर्डर्स राजदारी के लिए सैंड मॉडल पर दिए जा रहे हैं। ऑलराइट, अखोड़ा से लेट रेलवे लाइन, अखोड़ा से 12 मील दूर मुकंदा रेलवे स्टेशन, पगडंडी, नाम पगडंडी, आगे चलकर झुंड, नाम झुंड, घाट के सामने धान के खेत पानी से भरे हुए, आगे 12 बजे लक्ष्मीपुर टेकरी, नाम टेकरी। जमीनी निशान में कोई शक कोई शक नहीं। दुश्मन की एक प्लाटून टेकरी पर मोर्चांदोज है। गोया मुख्तसरन हालत, एक LMG नारियल एरिया में, दुश्मन की ज्यादा पोजीशन सामने और बाएं, सामने कांटेदार तार, घाटी से दुश्मन के जवाबी हमले का खतरा हो सकता है। हमारा ऑपरेशन साइलेंट होगा, अखोड़ा रेलवे स्टेशन से असेंबली एरिया तक। ऑपरेशन दो मरहलों में, प्लाटूनों का अपने ऑब्जेक्टिव यानी मकसूद पर पहुंचना। नंबर वन प्लाटून टेंट एरिया, नंबर टू प्लाटून टेकरी का दायां किनारा, नंबर थ्री प्लाटून टेकरी का बायां किनारा। ऑपरेशन की कामयाबी का दारोमदार नंबर वन प्लाटून पर है, इसे मैं खुद लीड करूंगा। नंबर वन सेक्शन मेरे साथ टेंट को घेरे में लेकर कमांडर को कैद करेगी और उसके हुक्म से दुश्मन से हथियार डलवाएगी। नंबर टू सेक्शन नारियल एरिया में LMG को नाकारा करेगी। हमला बैनेट के साथ खामोशी से होगा, लेकिन कोई भी फायर असॉल्ट का इशारा समझा जाएगा और उसके बाद हम फायर खोल सकते हैं। नंबर वन कंपनी 7 अगस्त को सुबह 5 बजे तक दुश्मन से टेकरी खाली कराएगी। अब आप अपनी घड़ियां मिलाएंगे। टाइम 5:10। जवानों, ये जो मिशन हमें आज रात मिला है, मैं समझता हूं कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे, मगर एक बात आप अच्छी तरह से नशीन कर लें, वो ये कौम जो इतना भारी दिफाई अखराजात का बोझ बर्दाश्त किए हुए है,
वो आज जैसी किसी रात के लिए या फिर कल जैसी किसी आने वाली सुबह के लिए है। ये वक्त है कर्ज चुका देने का और उस एतमाद पर पूरा उतरने का जो हर पाकिस्तानी अपनी अफवाज पर किए हुए है। क्या आप तैयार हैं? और मिर्जा साहब, आपने कैमरे छेन? अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से? बस मेहरबानी है मिर्जा साहब, आप हमारे साथ चाय पिए? हाँ इंशाल्लाह पियेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर किसी वक्त। अच्छी बात। अच्छा, खुदा हाफिज़। हमारी ड्यूटी का तो कोई वक्त नहीं, और फिर ये समझ लें काली रात, काले धंधे का तोड़ भी तो काली ही रात होती है ना जी। तो मेरी एक बोगी जो है सिलेक्ट के लिए बुक है। अच्छा, तो कभी साहब जरा इसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, मुलाकात रहेगी। सर, जीवन साहब ढाका से तशरीफ लाए हैं। जीवन साहब, ठीक है, ठीक। Hello, pal. Hello, sir. How are you? Fine, sir. Down. I hope everything is set. Yes, sir. So you are ready to attack yourself? Yes, sir. You good? आज मौसम भी हाँ जी हाँ कुछ है, बारिश है। हमने आपके लिए एक कमी रिजर्व जी और एक फर्स्ट एड फोर्स। थैंक यू सर। दो गाड़ी गति दे मुकंदापुर रेलवे स्टेशन के ऊपर करे थी आपकी मदद की। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आई होप यू नो द ऑल द इंस्ट्रक्शन। जी हाँ सर। जी ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। आंखें दो चारों और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सर ये काफिर जब बच्चा इधर किधर आएगा? इधर आएगा तो इसका मौत ही इसको खींच के लाएगा। मेजर साहब लांदे छो। मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब। कहना हो जाए आप किस ख्याल में घूमे? आप हुक्म करें, जा रहे हैं वहां ट्रेन रुकवा दूंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू।
Thank you very much. सब तैयार है। इस तरह लगता है कि मेरी बनट कुछ खुली हो गई है, बिल्कुल काम ही नहीं करती। तो फिक्र नहीं करा, मैं उसका फेट फाड़ेगा और मैं उसका इस तरह किगी दबावांगा, इस तरह किगी दबावांगा कि ये कह ना करे ते मेरा नाम नथु। हम उसके मगज पर ऐसा मुखा लगाएगा कि उसका मौत वा क्या कर देगा। और दिल खुश की तैयारा समझ रहे थे तुझे रमी खेलना ही नहीं आता, पूरा 122 पॉइंट चढ़ा दिया। खैर अभी देख बराबर कर देते हैं सब। पत्ता फेंक पत्ता ज्यादा बन मार। ये ले पत्ता भी फेंक दिया। महावीर ये दीपक तुम्हें रात भर जगाएगा और सुबह तुम उमते हुए फिरोगे। सरकार ये तो खुद बहुत शौकीन है ताश का, हमने इसको बहुत मना किया पर मानता ही नहीं है ये। देखा सर आपके सामने कितना भोला बन रहा है। मैं जैसे इसे जानता नहीं। ओके यू बॉयज आर ऑफ। सरकार थोड़ा सा दबा दूं आपको, थक गए होंगे। नहीं नहीं यू कैन गो नाउ। नंबर वन प्लैटून एनी डाउट? नो सर। Number 2 platoon, any doubt? No, sir. Number 3 platoon.
कैदी है, कैदी को गोली नहीं मारते, ले जाओ इसे। थैंक यू, आई ओ माय लाइफ टू यू। ले जाओ, ले जाओ। आपका जख्म बहुत ज्यादा है, आपको आराम करना चाहिए। कोई फिक्र की बात नहीं। मुझे पता है मेरे पेट में इस वक्त बहुत दुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी तो बहुत जरूरी है। जवान ट्रेंच में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माफ कर देना सर, आप हमारे बाप की तरह सर। जमादार आसम वो शहीद हो गए। वो हमसे पहले बाजी लेके आए। हेलो 3-1 4-4-1 हर्ड यर मी ओवर। जाओ, मैं कह रहा हूं तुम लोग यहां से, काउंटर अटैक होने वाला है, चलो। स्टेशन रिपोर्ट। देखी
जवान तुम जाओ गार्ड साहब से जल्दी बात करके आओ। बेहतर जी। जल्दी जल्दी। जी के सिलट से गाड़ी आ रही है और ये क्रॉसिंग है, जब तक सिलट की गाड़ी रवाना नहीं हो जाती ये गाड़ी नहीं छोड़ सकती। गार्ड साहब इस गाड़ी को पहले छोड़ो, मेजर साहब सब जख्मी है। बहुत अच्छा साहब। जल्दी 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 करो। जी सर। इनके काम में दखल मत दो, गाड़ी को गुजर रहे थो। साए में रहो बेटा, मत दराज करे, जीते अशरफ जी। मेरे सोने सर। यार पहले रेकी में वो नजर ही नहीं आई एलम जी, वही धोखा देगी। अशरफ सर, कर्नल तहफूज को मेरा पैगाम पहुंचा दो, मेरे जख्मी होने की इतला पीछे मेरी मां को ना जाए, वही तो मेरा सब कुछ है, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर, अल्लाह आपको हयाती के, खुदावंद करीम आपको सेहत याब करे, आमीन। यारा थोड़ा सा पानी तो मिला। मैं आपको जरूर पानी पिलाऊंगा सर, आप जल्दी से ठीक हो जाए। बस मेरे टीजी को इतला देना कि तुफैल ने अल्लाह के फजल से अपना मिशन कामयाबी से पूरा किया है, नाकामी से नहीं। Thank you.
हेलो सर, मेजर कलीम हियर सर, एनी मैसेज फॉर द जनरल? जनरल आई